क्या हुआ? ये तुम तो गलत तरीका से ब्रश कर रहे हो। सही तरीका क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो अगर आप अपने दांत को चमचमाते हुए देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अगर स्माइल करें तो सामने वाले को आपका पीलापन ना दिखे, तो चलिए आज मेरे साथ सीखते हैं ब्रशिंग टेक्निक को। तो ये मेरे पास एक ब्रश है और ये डेमो के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है कि आपके ब्रश को जो है 45 डिग्री में टिल्ट करना है। इसको 45 डिग्री मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे करके टिल्ट करके रखना है और उसके बाद इसको ऐसे करके ब्रश करना है। दूसरा क्या हो जाता है कि आपको जो है दो टीत, ज़्यादा नहीं, एक बार में दो टीत पे फोकस करें आप, उससे ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो आपको दो टीत को एक साथ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू एंड फ्रो मोशन में आपको मूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, टू एंड फ्रो मतलब एक एक साथ ऊपर नीचे दोनों करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको स्वाइप अप करना है। मान लीजिए आपका ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्लीन कैसे करेंगे? इस सरफेस को क्लीन करने के लिए आपको इसको नीचे से ऐसे स्वाइप अप या फिर ऊपर है ऊपर वाले दांत को ऊपर से स्वाइप डाउन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्लीन इनर सरफेस। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जो है आउटर सरफेस को देखते हैं, फोकस करते हैं और इनर सरफेस पे हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। तो आज जो है ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए कि आपको इनर सरफेस पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप आउटर सरफेस पे देते हैं, क्योंकि आपका जो प्लैक वगैरह जो है, कैलकुलस वगैरह जो एक्यूमुलेट हो जाता है इधर, तो आपको इस लिंगुअल सरफेस पे भी उतना ही फोकस करके रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे साफ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप अगले बार से। उसके बाद क्या करना है आपको कि ब्रश ऑल टीत, एक टीत पे फोकस नहीं करना। क्या होता है कि आप सामने वाले चार टीत को कर लिए उसका छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे ऊपर से देख के नीचे तक और सारे दांत को कवर करना है। ध्यान रहे सारे दांत को अंदर बाहर दोनों तरफ से करना है, ठीक है। और सब स्वाइप मोशन और टू एंड फ्लो मोशन में करना है, ठीक है। तो आप लोग हेल्दी रहें, अपने टीत को हेल्दी रखें और अपने आसपास सराउंडिंग को भी क्लीन रखें। हैप्पी नेशनल पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डे है आज। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।